हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। बीच में कुछ हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई थी, लेकिन अब फिर नई एनर्जी के साथ मैं वीडियोस डेली अपलोड करूँगी। नहीं किया है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है डिटॉक्स टी, यानी कि विंटर की डिटॉक्स टी। अभी समर्स निकल गए हैं तो अब हमें समर की चीज़ विंटर में नहीं यूज़ करनी है, वरना आपको कफ, सर्दी, जुकाम ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। चांसेस नहीं मतलब हो ही जाएंगे। तो और विंटर्स की चीज़ें अलग होती हैं और मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप अपने फैट को मेल्ट कर सकते हैं और स्किन को ग्लो कर सकते हैं। तो आज मैं विंटर डिटॉक्स टी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, यकीन मानिए अगर इस टी को आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो ये ना ही आपकी बॉडी की सूजन को हटाएगा बल्कि एंटी एजिंग भी प्रॉपर्टी है इस टी में। और मतलब जो भी आपको थोड़ा बहुत बॉडी में रहता है कि जैसे आलस रहता है आपको बॉडी में मान लीजिए, और आप ओवर वेट हो तो आपके वेट को कम करेगा। ये एंटी इंफ्लामेटरी टी है एंड एंटीबायोटिक भी आप इसे बोल सकते हो। तो कफ और जुकाम को भी ये टी दूर भगाएगी अगर आप इसे डेली बेसिस पे लेते रहोगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक पैन में 6 कप पानी लेना है। इसे कम ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि ये एक्यूरेट मेज़रमेंट है। तो यहाँ पे 6 कप पानी आपको लेना है जो नॉर्मल साइज़ के कप होते हैं। इसके बाद आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और उसे ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो कूट भी सकते हैं लेकिन ग्रेडिंग जो है काफ़ी बेस्ट है। उसका जो भी एक एक पार्ट है अलग है और जो उसका जूस होता है वो पूरी तरह से उसके एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाता है पानी में, क्योंकि कूटने में कहीं ना कहीं उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी में नहीं आ पाता है। तो आपको इसका लेना 1 इंच का अदरक टुकड़ा लीजिएगा और इसके बाद आपको इस पानी में इस अदरक के टुकड़े को डाल देना है और 1 सिनेमन इसमें डाल देनी है, यानी कि दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, और इसे ऐसे लो फ्लेम पे पकने देना है ताकि दोनों चीज़ों का एक्सट्रैक्ट आ जाए और पानी जले भी नहीं, आपको पानी की क्वांटिटी भी मिले और दोनों चीज़ों का एक्सट्रैक्ट मिले। तो देख लीजिए धीमी आंच पे इसे आपको लगभग 5 मिनट तक पकने देना है। जग में स्ट्रेन करूँगी मैं, इसलिए इसे एक पॉट में स्ट्रेन करती हूँ ताकि मैं इसे दिन भर पीती रहूँ और मुझे गर्म करने कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। तो इसे मैं एक जगह पहले इकट्ठा करूँगी और फिर इसमें मैं और चीज़ें हैं वो ऐड करूँ लिया है। और अब मैं इसमें जो नॉर्मल हल्दी होती है वो ऐड करूँगी, जो आपकी मसालेदानी की हल्दी होती है उसे ऐड करिएगा। जिन लोगों को भी ये सूट नहीं करती है वो प्लीज़ कच्ची हल्दी का यूज़ करिए, लेकिन इस हल्दी से रुका हुआ वेट काफ़ी तेज़ी से कम होता है। इसके बाद मैं इसमें 6 लेमन यूज़ करूँगी, 6 नींबू यूज़ करूँगी। जिनको भी लेमन सूट नहीं करता है प्लीज़ ध्यान रखिएगा लेमन मत यूज़ करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है। आप इस नींबू वाले प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं लेकिन ये भी रुके हुए वेट को आपको काफ़ी तेज़ी से नीचे लाएगा। और ये मत सोचिएगा कि लेमन ऐड करें तो आपको सर्दी जुकाम होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी गर्म चीज़ें हैं कि वो लेमन की उस तासीर को मार देगा। सो इस ड्रिंक को इस तरह से मिला के रख दीजिए पूरे दिन, मैं ऐसे ही बना के रख देती हूँ। उसके बाद 1 कप के अकॉर्डिंग मैं इसे पीती रहती हूँ, जैसे मॉर्निंग में पीती हूँ फिर नाइट में पीती हूँ, मतलब पूरे दिन इस पानी को आपको लेना है एज अ डिटॉक्स ड्रिंक, विंटर डिटॉक्स ड्रिंक। आई होप गाइज आपको मेरा ये आज का जो विंटर टी है डिटॉक्स टी है पसंद आई होगी, बिकॉज दीपावली में हमने इतना सब कुछ खाया है तो बॉडी को डिटॉक्स करना भी हमारा फर्ज है। तो अगर मेरे ये अगर आपको टी पसंद आई हो और तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।